हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है WDFC पे, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की परियोजना पे, जो कि आखिरी अपडेट होने वाला है इस हिस्से का। WDFC जो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की परियोजना है, इसका यह हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। और यह हमारे आपके लिए गर्व की बात है कि अपने देश की एक सबसे बड़ी परियोजनाओं को हमने और आपने मिलकर बनते हुए देखा है, और देखा है कि किस तरीके से इन पहाड़ों को काटने के बाद यहां से ये रेलवे लाइन डाली गई है, जो कि डबल डेकर मालगाड़ी के लिए बनाई गई है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दोस्तों, ये 1500 किलोमीटर लंबी परियोजना है, जो कि मेरे भाई उत्तर प्रदेश के दादरी से स्टार्ट होता है और जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में है। क्यों इन दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है? क्योंकि दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के इस रूट पर फ्रेट मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और दादरी से इसलिए स्टार्ट किया गया है क्योंकि दादरी में सबसे बड़ा NCR का कंटेनर पोर्ट है। उस पोर्ट को कनेक्ट किया गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से, जो कि महाराष्ट्र में है, और उस पोर्ट से कनेक्ट करने के बाद आप दुनिया के किसी भी कोने में अपने सामान को इंडियन रेलवे के जरिए तय वक्त में पहुंचा सकते हैं। क्योंकि इसके ऊपर जो ट्रेन दौड़ रही है इस वक्त पे, उस पे स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटे का, और वो भी डबल डेकर। 25 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वाले हिस्से को भी स्टार्ट कर दिया है, यानी कि यूपी का जो दादरी है ना, वहां से लेकर पूरा राजस्थान तक का जो हिस्सा है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब आप पूछोगे कि कितना किलोमीटर इसमें बनकर तैयार हो चुका और कितना रिमेनिंग है। 1050 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, और उस पर अब मालगाड़ी दौड़ रही है। सिर्फ रिमेनिंग है 450 किलोमीटर, जिस पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। तो कुछ हिस्सा गुजरात का और महाराष्ट्र का हिस्सा जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, अदरवाइज चाहे बात कर लूँ मैं उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, राजस्थान की, तो इन तीनों स्टेट में पूरी तरीके से ये बनकर तैयार हो चुका है WDFC का लाइन। मैं आपको इस जगह का कमाल का ड्रोन शॉट दिखाता हूं भाई, जिसके लिए हमने और आपने बहुत लंबा इंतजार किया है। तो ये है वो दृश्य जो कि देखने में आपका गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, जब यहां से डबल डेकर मालगाड़ी ये दौड़ रही है, और साथ में आपको दिखेगा अरावली हिल्स। और यही तो है नए भारत का नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नए भारत का नया नजारा। वैसे बता दूं, पूरे इस 1500 किलोमीटर लंबे हिस्से पे सबसे बेहतरीन नजारा आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, जहां पर डबल डेकर मालगाड़ी दौड़ती है ना, तो सच में गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। क्योंकि इस जगह पर आपको हमारे इंजीनियर्स का कमाल भी देखने को मिलेगा। जी, भारतीय इंजीनियर द्वारा इस जगह पर जो काम किया गया है वो काबिले तारीफ है भाई। और इसका इससे पहले जब अपडेट दिया था तो मैंने कहा था कि इसके बाद जो अगला अपडेट आएगा वो WDFC का, इस सेक्शन का आखिरी अपडेट होगा।
और कहा था कि दिखाऊंगा कि कितना कमाल का बेहतरीन नजारा होता है जब डबल डेकर मालगाड़ी इन अरावली हिल्स को चीरते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है, तो सच में नजारा बहुत कमाल का होता है। और पहले बताता हूं कि किस किस स्टेट में इसका कितना हिस्सा होने वाला है। तकरीबन 5 स्टेट से होकर यह गुजर रहा है मेरे भाई। इसमें सबसे पहला हिस्सा आता है उत्तर प्रदेश का, जहां पर 18 किलोमीटर का इसका हिस्सा है। उसके बाद आता है हरियाणा, हरियाणा में 177 किलोमीटर का इसका पूरा हिस्सा है। राजस्थान जो कि है 567 किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान इन तीनों स्टेट में पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और फंक्शनल है, ये कमीशन हो चुका है, यहाँ पर मालगाड़ी दौड़ रही है। अब बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात में है इसका हिस्सा 565 किलोमीटर का और महाराष्ट्र में है 177 किलोमीटर का। तो महाराष्ट्र और गुजरात वाले हिस्से पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है और उसके बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान तो भाई बनकर तैयार हो चुका है। ये जो आप अर्थवर का काम देख रहे हो, ये जो मिट्टी डालकर फिर उसके ऊपर ट्रैक डाला है जिसके ऊपर ट्रेन दौड़ती है, तो भाई ये जमीन से ना 10 फ्लोर ऊपर है। और एक्चुअली नीचे से आपको ये पता नहीं चलता है, लेकिन जब आप सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर जाते हो ना, तो भाई पैर दर्द कर जाते हैं, सच बता रहा हूँ। और मुझे याद है ये जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हो ना, ये परियोजना मेरे लिए सबसे खास है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा चैलेंजेस मुझे आए थे जब इसका मैं आपको अपडेट दिया करता था। जब मेरे पास ड्रोन नहीं होते थे ना, तो भाई ये जो पहाड़ देख रहा हूँ ना, इस पहाड़ की चोटी पे मैं चढ़ता था, वहाँ से अपने कैमरे से शॉट लेकर फिर आपको दिखाता था कि किस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, क्योंकि उस वक्त पे ड्रोन था नहीं। तो मैं बहुत बार इसके ऊपर चढ़ चुका हूँ, ये जो आप देख रहे हो ना मिट्टी का जो काम किया है, मतलब 10 फ्लोर बहुत बार चढ़ चुका हूँ मैं यहाँ पर। वैसे ये जो अर्थवर का काम देख रहे हो, ये जो मिट्टी को डालकर ट्रैक डाला है, ये दुनिया का अब तक का सबसे ऊंचा अर्थवर का काम है किसी भी परियोजना के ऊपर। इसके बाद चाइना का प्लान है कंस्ट्रक्ट करने का, लेकिन हम भारतीय तो सबसे पहले हैं भाई। इसके बाद आगे इस तरफ जाओगे तो एक डबल डेकर मालगाड़ी के लिए सुरंग भी बनाया है, जो कि दुनिया का पहला है भाई। हाँ, इलेक्ट्रिकल डबल डेकर मालगाड़ी जहाँ से गुजरेगी, तो वो भी दुनिया का पहला है। उसका भी काम मैंने आपको दिखाया है, लेकिन जरा इस जगह का नज़ारा आप देख लो। ये जो अरावली हिल्स है, इसके ठीक पैलर में यहाँ पर लाइन डाली है और फिर यहाँ से ये लाइन होते हुए आगे, यहाँ से हरियाणा से होते हुए राजस्थान, गुजरात और फिर महाराष्ट्र को ये चली जाएगी। और इस तरफ जाओगे तो इस तरफ है उत्तर प्रदेश। अब वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अरावली हिल्स के बाजू में ये बनाया है, तो जहाँ जहाँ पर पानी का निकास होता ना, उस जगह पर एलिवेटेड पार्ट दिया है, यानी कि ये जो पिलर देख रहे हो ना, इस पिलर के ऊपर फिर ट्रैक डाला है, क्योंकि यहाँ पर बारिश के पानी में ना पहाड़ों से पानी नीचे आता है और बहुत तेज़ी से नीचे आता है। तो अर्थवर्क यानी कि मिट्टी को डालकर फिर ट्रैक बनाते ना, तो भाई वो ट्रैक बह जाता जी। तो इसी वजह से यहाँ पर पिलर बनाया और पिलर के ऊपर फिर ट्रैक डाला है। मतलब कमाल की इंजीनियरिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और नज़ारा भी बहुत कमाल का देखने को मिलता है। आज से 20-30 साल पहले किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि भाई एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पर इस पहाड़ी के पैरेलल से इंडियन रेलवे की ट्रेन दौड़ेगी, वो भी मालगाड़ी और वो भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन बनी है या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन बनी है, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है अपने देश के लिए और इकोनॉमी में इसका बहुत ज़्यादा योगदान होने वाला है। क्योंकि अभी तक सबसे बड़ा जो चैलेंज था ना, वो था फ्रेट मूवमेंट का अपने देश में। अब इस पे जो काम हुआ है, इसके बाद अब आपको दिखेगा कि बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का प्लांट अपने देश में सेटअप होगा। जी हाँ, क्योंकि दुनिया की बड़ी जो कंपनियां हैं, जब आपके देश में निवेश करती है ना, तो सबसे पहले आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखती है और फ्रेट मूवमेंट देखती है कि कितने आसानी से हम माल को
एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा सकते हैं। अभी तक इंडियन रेलवे में ये होता था कि भाई एक ही ट्रैक था जिसपे पैसेंजर भी दौड़ रहा था, मालगाड़ी भी दौड़ रहा था। पैसेंजर को आगे जाने के लिए मालगाड़ी को हमेशा रोका जाता था, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। उसकी वजह से माल ढुलाई जो है ट्रेन के जरिए कम हुई थी और रोड पे बढ़ गई थी डिपेंडेंसी। लेकिन रोड के जरिए नुकसान यह है कि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और इनफैक्ट महंगा भी बहुत है वो। इसी गैप को फिल करना था हमें और भारत सरकार ने इसी गैप को फिल भी किया है कि अब मालगाड़ी के लिए अलग से ट्रैक बनाया है जिसपे मालगाड़ी भी दौड़ेगी और डबल डेकर दौड़ेगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। तो विदेश की जो कंपनी है अब निवेश करना चाहती है, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पर सेटअप करना चाहती है, उसको भारत सरकार कह सकती है कि भाई साहब अब हमारे पास इंडियन रेलवे का कमाल का नेटवर्क है जिसकी मदद से हम आपके सामान को तय वक्त से एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक पहुंचा देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बताता हूं कि सैमसंग की फैक्ट्री है मान लो नोएडा में, अब सैमसंग को अपना मोबाइल सप्लाई करना है वर्ल्ड के किसी भी कोने में ना भाई, तो वो दादरी वाले पोर्ट से सीधा इस WDFC लाइन पर डालेगी, उसके बाद जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर जहां पर समुद्री मार्ग के जरिए वो दुनिया के हर कोने में अपने सामान को पहुंचा सकता है। ये गैप फिल हुआ है, ये नया पूरा रूट बनाया है। इससे फायदा ये भी हुआ है कि एक तो किलोमीटर भी कम हुआ है और इसका जो पूरा स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे इसको इस हिसाब से डिजाइन किया है कि कभी भी यहाँ पर जो ट्रेन दौड़ेगी उसको स्लो ना होना पड़े। जमीन से इतना ऊपर इसलिए भी बनाया है कि भाई कभी एक्सीडेंट ना हो, जंगली जानवर ना आ जाए या कोई भी गलती से ट्रैक पे ना आ जाए। तो इसी वजह से देखोगे तो इस पूरे हिस्से को जमीन से बहुत ऊपर बनाया है और आपको जानकर ये खुशी होगी कि भाई इस पूरे 1500 किलोमीटर हिस्से में ना कहीं भी रेलवे फाटक नहीं है। मतलब ये न्यू इंडिया का नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जो कि आपको वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मिलता है। इसमें क्या है, ट्रेन को भी होल्ड करने की जरूरत नहीं है और हमें और आपको रेलवे फाटक पर रुकने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेन भी जब फाटक से गुजरती थी तो उसको भी अपने स्पीड को कम करना पड़ता था और हमें और आपको घंटों इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि मालगाड़ी तो हमेशा लंबी होती है, ये तो आपको पता है। इस पर जो मालगाड़ी दौड़ रही है ये पहले से भी और लंबी है, ये 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन इस पर दौड़ती है और वो भी डबल डेकर। तो सोचो अगर रेलवे फाटक बनाते तो कितने लोगों को अपनी गाड़ियों को स्टॉप करना पड़ता रेलवे फाटक पे, उससे कितना ज़्यादा फ्यूल जलता, उससे बहुत सारा कार्बन क्रिएट होता, फिर पोल्यूशन होता। ये एकदम सही है। और हाँ, बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो पूरी की पूरी लाइन देख रहे हो ना, पूरा जो 1500 किलोमीटर का हिस्सा है ना, ये इलेक्ट्रिकल है भाई। और सिर्फ इस पे जो मालगाड़ी दौड़ेगी या जो ट्रेन दौड़ेगी, जो लोकोमोटिव दौड़ेगा, वो इलेक्ट्रिकल ही होने वाला है। कोयले का इस्तेमाल खत्म, डीजल खत्म। ये दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंट्रियाँ हैं ना, जो सोच रही हैं कि ये हम काम करें कि डिपेंडेंसी कोयले और डीजल इंजन से हटाकर हम इलेक्ट्रिकल इंजन पर शिफ्ट हो, भारत सरकार उस दिशा में बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वही आपको देखने को मिलेगा भी भाई। ये था इस पूरे प्रोजेक्ट का डिटेल कि क्या है ये और कितना बड़ा इम्पैक्ट ये लाने वाला है। अब इस पूरे 1500 किलोमीटर रूट के बीच में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने प्लांट को डालता है, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करता है, तो उसको अपने सामान को देश ही नहीं दुनिया के किसी भी कोने में भेजने की अब टेंशन है नहीं, क्योंकि उसको पता है कि उसके सामान को कभी भी रोका नहीं जाएगा। नहीं तो पहले वो जब भी सामान भेजता था इंडियन रेलवे से, तो भाई साहब इंडियन रेलवे की ट्रेन जो थी ना मालगाड़ी, वो खड़ी रहती थी 3-4 दिन तक, पता नहीं कब क्लियरेंस मिलेगा और उसके बाद ट्रेन आगे जाएगी। इसीलिए वो लोग रोड पे शिफ्ट हुए थे कि रोड में एटलीस्ट गारंटी तो है कि इतने दिन में पहुंच जाएगा। लेकिन अब इस पे भाई पूरी गारंटी है, इंडियन रेलवे पूरी गारंटी के साथ बोलेगी कि भाई साहब आपका सामान इतने वक्त में पहुंचा दूंगा मैं, और यही यहां पर हो भी रहा है। इस जगह पर वैसे कंस्ट्रक्शन जो कंपनी थी जिसने काम किया था वो है L&T। और इस जगह पर सबसे पहले तो आपको 3 किलोमीटर लंबा जमीन से 100 फीट ऊपर पिलर का हिस्सा देखने को मिलता है जिसके ऊपर ट्रैक बनाया गया है, जिसपे भी ट्रेन जो दौड़ती है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही दौड़ती है भाई। उसके बाद जरा आइए आप मेरे पीछे, जो आप ये देख रहे हैं 100 फीट ऊपर मिट्टी को डालकर लाइन डाली गई है, यहां से भी ट्रेन दौड़ती है, तो कमाल का आपको नजारा देखने को मिलता भी है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है मेरे भाई जी। जमीन से इतना ऊपर किसी रेलवे लाइन को डालने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है और किसी भी परियोजना पे इतना सारा अर्थवर का काम करने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके बाद जब इस हिस्से से आगे आप जाएंगे तो आपको एक सुरंग भी मिलेगा जो अगेन इंजीनियरिंग मार्वल है मेरे भाई।
जो कि दुनिया का सबसे पहला डबल डेकर इलेक्ट्रिकल ट्रेन के लिए बनाया गया सुरंग है, जिसके अंदर से जब ट्रेन निकलती है तो यहां पर भी ट्रेन की स्पीड कम नहीं होती है। इस जगह से भी ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकल जाती है मेरे भाई। अब ट्रेन जब सुरंग से बाहर आती है तो भी आपको कमाल के इंजीनियरिंग का नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, जमीन से 100 फीट ऊपर रेलवे लाइन को डाला है, तो वहीं सुरंग से निकलने के बाद आपको देखेगा कि जमीन से 100 फीट नीचे रेलवे लाइन डाला है। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों किया गया है, वो इसलिए मेरे भाई क्योंकि जहां पर ये रेलवे लाइन डाली गई है इससे के ठीक पैरेलल में आपको एक एक्सप्रेसवे दिखेगा, जिसे कि पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कहते हैं, केएमपी एक्सप्रेसवे भी कह लीजिए या फिर आप वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी कह लीजिए। उस एक्सप्रेसवे को इस लाइन को क्रॉस करना था, अगर इस जगह पर पिलर बनाते तो ट्रेन को अपने स्पीड को स्लो करके फिर उस पिलर के ऊपर चढ़ना पड़ता एलिवेटेड हिस्से पर, तो स्पीड तो मेंटेन हो नहीं सकती थी। और भारी भरकम मालगाड़ी को सोचो कितने स्पीड से चलाना पड़ता, फिर 10 या 20 की स्पीड से ही चला पाते वो, क्योंकि रैंप का हिस्सा बनता, फिर धीरे धीरे चला के फिर उसके बाद स्पीड मेंटेन करना पड़ता। जब वो टनल में एंटर करता तो भी और टनल से बाहर आता तो भी, तो स्पीड मेंटेन करना ही तो पूरा मोटिव था मेरे भाई। तो इसी वजह से जमीन को काट कर 100 फीट नीचे यहाँ पर रेलवे लाइन डाली गई, जिसकी मदद से यहाँ पर ट्रेन अपनी स्पीड को मेंटेन कर सके और वो आसानी से क्रॉस कर सके केएमपी एक्सप्रेसवे को, और वही नजारा आपको यहां पर देखने को मिलता है। क्योंकि डबल डेकर मालगाड़ी जब यहां से गुजरती है मेरे भाई तो वो अपने स्पीड को बिल्कुल भी स्लो नहीं करती, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए केएमपी एक्सप्रेसवे को आसानी से क्रॉस कर जाती है और उसके बाद ये आगे चली जाती है राजस्थान और उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ। और स्पीड ही तो सबसे बड़ा पॉइंट होने वाला है आने वाले वक्त में, ये फैक्ट है भाई। आने वाले वक्त में इन्वेस्टमेंट उस कंट्री में सबसे ज़्यादा होने वाला है जहां पर सिर्फ और सिर्फ वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं हाई स्पीड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और ये बात भारत सरकार भी जानती है। इसी वजह से देखोगे तो मालगाड़ी की लाइन बनाई जा रही है जिस पर ट्रेन डबल डेकर तो दौड़ रही है, आने वाले वक्त में ये ट्रिपल भी हो जाएगा, जिसके ऊपर टेस्ट चल रहा है भाई। वहीं अगर पैसेंजर की बात करो तो वंदे भारत भी आपको दिखता है, आरआरटीएस भी दिखता है, आरआरटीएस जो कि पूरी तरीके से पैसेंजर ट्रेन है, जहां पर पिलर के ऊपर ट्रेन दौड़ती है 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वहीं बुलेट ट्रेन की परियोजना भी बन रही है, वहीं आपको नए नए हाई स्पीड एक्सप्रेसवे भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि भारत सरकार इस बात को भली भांति जानती है कि वक्त बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी होगा और वक्त हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर का ही होगा। इसी वजह से भारत सरकार इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और वो भी इस बात को जानते हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी तभी इस देश में इन्वेस्टमेंट करेगी जब हमारे पास हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, और इसी वजह से इतने सारे हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो रोड हो, रेलवे हो, या फिर एविएशन हो, या फिर समुद्री मार्ग हो, इन सभी पे भारत सरकार तेजी के साथ इन्वेस्टमेंट कर रही है। और यही इंफ्रास्ट्रक्चर याद रखना इस देश को बदलने में बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं जी, और तभी हमें और आपको ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता भी है। तो चलो ये था एक और अपडेट जो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का था, हरियाणा वाले हिस्से का, और जो कि इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का सबसे बेहतरीन हिस्सा है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और हाँ भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि हर भारतीय को ये पता होना चाहिए कि अपना देश बदल रहा है और तेज़ी के साथ बदल रहा है, और जैसा कि मैंने कहा, दुनिया उसी के कदम चूमेगी जिसके पास हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नेटवर्क होगा, और आने वाले वक्त में ये भारत के पास तो ज़रूर होने वाला है। तभी तो इतनी सारी परियोजनाएँ बन रही है और तभी तो मैं आपको ये दिखा पा रहा हूँ। तो चलिए मिलता हूँ जल्दी आपसे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।